के नरसिंह यादव लंदन ओलंपिक में कुश्ती में अपनी किस्मत आजमाने गए हुए हैं। देशवासियों के साथ साथ जोगेश्वरी वेस्ट के रहने वाले नरसिंह यादव के परिवार वालों को भी नरसिंह से काफी उम्मीदें हैं। लंदन ओलंपिक में शूटिंग, बैडमिंटन और बॉक्सिंग में पदक आ चुके हैं। अब 74 किलोग्राम भारतीय फ्रीस्टाइल रेसलर नरसिंह यादव से पदक की काफी उम्मीदें हैं। बचपन से कुश्ती में शौक रखने वाले नरसिंह यादव का बचपना बड़ी कठिनाइयों से गुजरा। मुंबई के जोगेश्वरी यादव नगर में रहने वाले नरसिंह यादव आज भी इसी 10x10 के घर में रहते हैं। ना यहाँ पानी है और ना ही कोई मूलभूत सुविधाएं, फिर भी ये पहलवान इस मंजिल तक पहुँचा। 2010 कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीत कर सबको चौंका दिया था नरसिंह यादव ने। नरसिंह यादव के परिवार को बहुत उम्मीदें हैं कि नरसिंह यादव कोई ना कोई पदक जरूर लाएगा। भगवान से प्रार्थना करें कि लंदन में गोल्ड मेडल जीते। अखाड़े में हम लोग नहीं ले जाते थे उसको, तब वो रोते थे कि नहीं हम भी चलेंगे अखाड़े। यादव नगर का बच्चा ये चाहता है भैया एक बार फिर अपना जलवा दिखाएं और इस गली में रौनक लाएं। लोग एक दूसरे से गले मिलें और मिठाइयां बांटें, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब लंदन में तिरंगा फहराएगा और मेडल आएगा। हमें तो पक्का उम्मीद है कि वो गोल्ड मेडल लाके ही रहेंगे। घर वाले तो ये प्रार्थना करते हैं कि सिर्फ उनका एक ही सपना है, गोल्ड आ जाए। हमें लगता है गोल्ड आएगा, पक्का गोल्ड है। नो सिल्वर नो ब्रॉन्ज ओनली गोल्ड। वैसे तो नरसिंह यादव का पूरा परिवार कुश्ती में दिलचस्पी रखता है। परिवार, मोहल्ला, शहर और देश की निगाहें इस पहलवान पर हैं। जिस तरह करोड़ों देशवासी सोच रहे हैं नरसिंह यादव को गोल्ड मेडल मिले और तिरंगा वहां पर फैलाए, उसी तरीके से मुंबई में नरसिंह यादव के घर में भी लोग यही आशा लगाए हैं कि नरसिंह यादव गोल्ड मेडल जीतें। इस समय मुंबई से कैमरामैन वसीम के साथ एहतराम अली। तो आज रात 12:15 नजरें विकास गौड़े पर भी हैं, तो यहां पर नरसिंह यादव जो मुंबई के रहने वाले हैं उन पर भी उम्मीदें हैं कि वो गोल्ड मेडल जीतकर ही वापस आएंगे। उधर मुंबई के परेल ग्राउंड